हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। रिया, विजय, लिसन विजय, प्लीज और सस्पेंस मत क्रिएट करो। बताओ ना, कौन सी बड़ी खबर थी जो तुम हम सबको बताने वाले थे? बताता हूँ। पहले सबको बुला लो। ओके वेट, गाइस। क्यों भाई, क्या बात है? नाउ टेल अस। बहुत जल्द पता लगने वाला है जिसके लिए मैं तुम्हें यहाँ लाया था। और वो क्या था? बताता हूँ। एरिया देखो, वो रहा तुम्हारा सरप्राइज। अरे ये क्या मैसेज है? मजाक की भी हद होती है, तुमने ये दिखाने के लिए हमें यहाँ बुलाया था? अरे नहीं रिया, ये सब मेरा प्लान नहीं था। मैंने तो लिखाया था विल यू मैरी मी। झूठ मत बोलो विजय। अरे मैं सच बोल रहा हूँ रिया, मैं तुम्हें प्रपोज करने के लिए लाया था यहाँ पर, और ये प्लेन मैंने ही तो बुक किया था। अरे ये कौन गिर रहा है? आप लोग पीछे हट जाइए प्लीज, पीछे पीछे आइए आप लोग, हमें काम करने दीजिए। सर पूरी बॉडी फट गई सर। जरा देखो इसकी जेब में कोई आईडी वगैरह है क्या? ये आप लोगों ने इस आदमी को ऊपर से गिरते हुए देखा था? हाँ जी। सर वो एक प्लेन से नीचे गिरा था और उसमें एक मैसेज भी था। कैसा मैसेज? एक बहुत बड़ा कपड़ा था और उसपे लिखा हुआ था कि सब मारे जाओगे। प्लेन पे? जी सर। प्लेन पे इस तरह का मैसेज, सब मारे जाओगे? सर आप ये जेब में तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं? इसके शरीर पे कोई घाव का निशान, गोली मारने का या चाकू का? नहीं सर, घाव के कोई निशान नहीं है। मगर सर ये देखिए, यहाँ पे कुछ अजीब से निशान है सर। निशान तो उसके पूरे शरीर पे। सर इसकी आंखें देखिए, खून की तरह लाल है और इसके मुंह से झाग भी निकला हुआ है। सर कहीं इसे जहर तो नहीं दिया गया? नहीं फ्रेडी, जहर तो नहीं लगता। अगर जहर दिया होता तो शरीर नीला पड़ जाता। ये मामला कुछ और ही है, लगता है ये निशान कुछ अलग ही है। मतलब सर ये डेथ नॉर्मल नहीं है? लगता तो ऐसे ही है। ये निशान देख के लगता है कि मौत की वजह बहुत खतरनाक है, और वजह क्या है ये तो अब फॉरेंसिक में ही पता चलेगा। सर इट्स एन इमरजेंसी, वी नीड यू राइट नाउ। ओह ओके। सर पैसेंजर की हालत बहुत खराब हो गई है सर, प्लीज आप जल्दी चलिए। कम कम। हाँ सर। सर ऊपर। एक्सक्यूज मी, कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर, सब ठीक है सर। आई सी। मैं सीआईडी से हूँ, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो बताइए, आई कैन हेल्प यू। सर आप मेरे साथ ऊपर चलिए। दिस वे सर, ये सीआईडी ऑफिसर है। सर ये पैसेंजर की तबीयत बहुत खराब हो रही थी और सर ये दो पैसेंजर हमारे डॉक्टर्स हैं। क्या हुआ, क्या इनको? सर ये आदमी मर चुका है। What? जी सर। कैसे? सर बड़ी अजीब तरीके से मौत हुई है इसकी, ये देखिए। समझ में नहीं आ रहा है कि किसी चीज का रिएक्शन है कि क्या है। ये आदमी यहाँ बिजनेस क्लास में अकेले सफर कर रहा था क्या? नहीं सर, सर ये इकोनॉमी क्लास में ट्रेवल कर रहे थे, बट बिजनेस क्लास खाली थी और इनकी हालत बहुत खराब हो रही थी, ताकि लोग पैनिक ना कर जाएं, इसलिए इन्हें यहाँ ट्रांसफर कर दिया। ऐसे। सर ये क्या? सर ये पर्ची इनके पास मिली थी। अगर पायलट ने प्लेन उतारने की कोशिश की तो सबकी यही हालत हो। इस आदमी का खून हुआ है और खून ही प्लेन में ही है। सर मरने वाले आदमी का नाम राजेश है और ये छोटे प्लेन्स का पायलट था।
इस प्लेन के बारे में कोई जानकारी मिली जिसे आदमी गिरा था? हाँ सर, समंदर में उस प्लेन का मलबा मिला है, लेकिन और कोई लाश नहीं मिली। लाश नहीं मिली मतलब प्लेन खाली था सर? तो फिर पायलट को प्लेन में से फेंका किसने? नहीं पंकज, प्लेन खाली नहीं था, जरूर उस प्लेन में कोई और था जिसने इस पायलट राजेश को धक्का मार के प्लेन से नीचे गिरा दिया, और प्लेन क्रैश होने से पहले वो खुद भी पानी में कूद गया। जब आप लोगों ने इस पायलट को पैसे दिए थे, मेरा मतलब ये राजेश जो पायलट है, इसका बर्ताव कैसा था? उसकी बॉडी लैंग्वेज, बोलचाल कुछ गड़बड़ लगा, कुछ अजीब हो? नहीं सर, निकोलस से मिला, उसे पैसे दिए और रिया को प्रपोज करने वाला मैसेज बताया बस, लेकिन उस वक्त तो वो बिल्कुल सही था। सर, सर क्या अब हम लोग जा सकते हैं? नहीं, जब तक आप लोगों की रिपोर्ट्स नहीं आ जाती आप लोग नहीं जा सकते। सॉरी दया, देख सर, दया ये लोग सेफ हैं, इन्हें कुछ नहीं हुआ, इन्हें भेज दो। और वो पायलट, वो राजेश यार, उसकी रिपोर्ट में बहुत कुछ मिला है। ठीक है, फिलहाल आप लोग जा सकते हैं, लेकिन हाँ जरूरत पड़ी तो फिर बुलाएंगे। ठीक है सर। क्या है सर उसकी रिपोर्ट में, कैसे मरा आदमी? दया उसकी मौत एक बहुत ही खतरनाक नर्व एजेंट की वजह से हुई। नर्व एजेंट? हाँ बोल। ये बहुत ही खतरनाक टॉक्सिक केमिकल होता है जो किसी भी इंसान के नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देता है। इतना खतरनाक केमिकल सालू के साहब, इसे दिया कैसे होगा? तो किसी भी तरीके से दिया जा सकता है, पीने में, खाने में या इंजेक्शन से, किसी भी तरह से। कोई किसी को ऐसी दर्दनाक मौत क्यों देगा? ऐसी क्या दुश्मनी होगी? और हाँ यार, ये पेन ड्राइव, इस पेन ड्राइव से जरूर कुछ मिलेगा। इसे कंप्यूटर में कनेक्ट करके देखो। मुझे ये पेन ड्राइव इसकी चमड़ी के अंदर से मिली है। समझ ही गए होंगे कि हम क्या कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने में कामयाब हो गया। ये तो सिर्फ एक सैंपल था। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। फ्लाइट नंबर 471 का एक यात्री अब तक मारा जा चुका होगा और बाकी के भी एक एक करके मारे जाएंगे। तुम्हारा होनहार ऑफिसर अभिजीत भी। अगर तुम लोगों ने मेरा कहा नहीं माना तो अभिजीत, इस पिक्चर को देखो ध्यान से। 8 घंटे के अंदर इस औरत को ढूंढ कर मुझ तक पहुंचाना, नहीं तो सारे के सारे पैसेंजर्स वहीं पहुंच जाएंगे जहां से कोई वापस नहीं आता, और ये तो सिर्फ शुरुआत है। अभिजीत के साथ साथ ये सारे पैसेंजर्स भी मारे जाएंगे अगर हम इस औरत को नहीं ढूंढेंगे तो। सर मगर ढूंढेंगे कैसे? नाम पता, एड्रेस कुछ नहीं हमारे पास, और बस 8 घंटे बचे हमारे पास है। ये औरत इसके लिए इतनी कीमती क्यों है? फिर एक बार ये औरत मिल जाए तो पता चल जाएगा ये औरत कीमती क्यों है। फिलहाल हमारे पास वक्त नहीं है। एक काम करो, इस फोटो को लोकल इन्फॉर्मर्स, पुलिस स्टेशन और सोशल मीडिया में फैला दो। जल्द से जल्द इस औरत को ढूंढना होगा हमें। तब तक मैं अभिजीत से कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, पता तो चले कि उस फ्लाइट में हुआ क्या था। घबराने की कोई बात नहीं, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। आप एक बात बताइए, ग्राउंड पे किसी को कॉन्टेक्ट करना हो तो कोई रास्ता है? प्लेन में वाईफाई है, आप उसके थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं सर। गुड, एक काम करो, इसको जरा वाईफाई से कनेक्ट करो। सर ये कंटेजियस तो नहीं? देखिए अगर ये कंटेजियस है तो शायद हम लोग अभी तक इन्फेक्टेड हो चुके हैं या हो भी सकते हैं, और शायद मौत भी हो सकती है सर। सर दया यार, एक गड़बड़ हो गई है। जिस प्लेन में मैं सफर कर रहा हूँ उसमें एक मर्डर हो गया, और खूनी प्लेन में है। एक काम करो, जितने भी पैसेंजर्स हैं ना सबकी डिटेल्स निकाल लो, देखो किसी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। फ्लाइट नंबर 471। पूरी फ्लाइट 47 में जितने भी पैसेंजर्स हैं और क्रू मेंबर्स हैं उन सब की पूरी डिटेल निकालो जल्दी। सर सब लोग को बिहेव करना है कि कुछ हुआ नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल रहना है, ओके? और आप सीसीटीवी मॉनिटर पर नजर रखो, सारे पैसेंजर्स के हाव भाव देखो, कोई गड़बड़ लग रहा है तो बताना। ओके सर। तब तक मैं देखता हूँ इस आदमी के साथ क्या हुआ है। लोगों को खाने पीने के लिए कुछ दिया था? हाँ सर, पहले से दिया जा चुका है। तो किसने क्या खाया था? बताना तो मुश्किल है किसी ने क्या खाया था, उन लोग खा चुके थे। हाँ सर, कुछ लोग गैली के पास बैठे थे, उन्होंने खुद से ही ड्रिंक ली थी। खुद से ड्रिंक ली? ठीक है,
उन लोगों पे नजर रखो, हो सकता है उन्होंने कुछ मिक्स कर दिया हो या मिक्स करने वाले हो। किसी को कुछ बताना नहीं, किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो खूनी चौकन्ना हो जाएगा। कुछ भी गड़बड़ लगे तो मुझे इन्फॉर्म करना, ओके? एक्सक्यूज मी मैम। सर, आप तो उस मरने वाले आदमी के पास थी ना? यस सर। किसी पे शक है आपको? नहीं सर, मुझे किसी पे शक नहीं है, मैंने तो किसी को देखा भी नहीं है। आई सी, सोनाली नाम है आपका ना? कैरी ऑन। यस सर। यहाँ फ्लाइट में एक सोनाली नाम की अटेंडेंट है। सर, एक घंटा हो गया, उस औरत के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है सर। हाँ, पुलिस से 7 घंटे बचे हमारे पास सर, कुछ भी हो जाए इस औरत को ढूंढना ही होगा। मगर यहाँ फ्लाइट में एक सोनाली नाम की अटेंडेंट है, उसकी जरा डिटेल्स निकाल लो, कुछ गड़बड़ लग रही है। पूर्वी, ये क्रू मेंबर्स और पैसेंजर्स की लिस्ट आ गई है ना? हाँ। जरा देखो ये फ्लाइट अटेंडेंट सोनाली, इसका एड्रेस क्या है? सर, सोनाली के बारे में क्या पूछताछ करनी है? आप कौन है? जी, मैं सोनाली का हस्बैंड हूँ, और ये मेरे भाई है, और ये मेरा बेटा। ये फ्लाइट पे जाने से पहले सोनाली का बर्ताव कैसा था? क्या हुआ सर, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? हमें सोनाली के बारे में जानकारी मिली है कि वो गलत लोगों के साथ मिलकर कुछ गलत काम कर रही है। आप ये कैसी बात कर रहे हैं ऑफिसर? सोनाली भाभी तो कोई गलत काम कर ही नहीं सकती। वो जांच के बाद साफ हो जाएगा। अच्छा, सोनाली का कमरा दिखा सकते हैं? हम लोग तलाशी लेना चाहते हैं। सर, उसके लिए तो आपको सर्च वारंट लेके आना पड़ेगा। सर्च वारंट? बेटा, तुम अंदर जाओ। तो जब वारंट आ जाएगा तब तो आप तलाशी लेने देंगे ना? जी, सर्च वारंट लाने के बाद तो तलाशी से कौन रोक सकता है? फिलहाल तो हम जा रहे हैं, मगर ये मत समझना कि सीआईडी साहब को छुटकारा मिल गया। चलो। पंकज, मोबाइल निकालो जल्दी। जब तक ये सीआईडी वाले उनका सर्च वारंट लेके आएंगे ना, तब तक हमारा काम भी हो जाएगा। चल उधर, चल बैठ उधर। ये भाई गड़बड़ है सर, कहीं भाई ने बंधक तो नहीं बना दिया उन लोगों को? हो सकता है, किसी भी तरह हमें अंदर घुसना होगा। अंदर कैसे आ रहे? यहाँ पे क्या कर रहा है तू? अरे भाई साहब, वो मेरा ये मोबाइल फोन है। ये देखो, शरी मत करना, ये फोन रह गया था यहाँ पे, मैं लेने आया हूँ। यहाँ पे क्या कर रहा है तू? अरे आप मेरी बात नहीं समझ रहे सर। इल्ला मत। जब तुमने सर्च वारंट के लिए डिमांड किया था, उसी वक्त समझ गए थे हम तो भाई नहीं, भाई के भेष में भेड़िया है, समझा? सर, अच्छा हुआ आप लोगों ने आकर हमें बचा लिया। कल रात से अपने ही घर में बंधक बनाकर रखा है इस आदमी ने हमें। लेकिन मेरा बेटा कहाँ है? मेरा बेटा कहाँ है? घबराओ मत पंकज। सर, मेरी बीबी को बचा लीजिए। ये आदमी न जाने उससे क्या करवाना चाहता है।
कुछ नहीं कर पाएंगे ये लोग। प्लेन में जितने भी आदमी है ना, सिर्फ उनकी मौत का तमाशा देखेंगे ये लोग। सोनाली को ब्लैकमेल करके उस फ्लाइट पे कुछ गलत काम करवा रहे तुम लोग। हाँ, तब जीत को मैसेज करना पड़ेगा। हेलो, हाँ हाँ बोलो। गुड, वेरी गुड सर। सर एक लड़की मिली जो उस औरत के बारे में जानती है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। गुड, चल। सर ये दो वो लोग हैं जो बार बार उठकर अपनी सीट से जा रहे हैं। किसी तरह बातों बातों में इनकी असलियत पता करनी पड़ेगी। अगर इनको भनक लग गई सारा मामला उल्टा पुल्टा हो जाएगा। क्या हुआ सर, कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम अब रही नहीं। एक काम करो, उन पर नजर रखो, मैं अभी आता हूँ। Anything else, sir? मैम वो दरवाजा कैसे लॉक हो गया, जरा प्लीज देखेंगे आप? ओके। सोनाली। यस सर। मुझे पता चल गया कि प्लेन में जो कुछ भी हो रहा है उसमें तुम भी मिली हुई हो। ये आप क्या कह रहे हैं सर? ड्रामा नहीं समझी? हमें मालूम है तुम्हारे परिवार को ब्लैकमेल किया जा रहा था, लेकिन घबराओ मत, उन्हें बचा लिया गया है। आप सच कह रहे हैं क्या? बिल्कुल सच, बिलीव मी। तुम ये बताओ क्या चल रहा है प्लेन में? कौन कौन ब्लैकमेल कर रहा है? होनी कौन है, है? सोनाली देखो, डरने की बात नहीं है। होनी कौन है, कौन ब्लैकमेल कर रहा है मुझे प्लीज बताओ। सोनाली, सोनाली, सोनाली संभाल के। ओह नो, संभालो अपने आप को। सोनाली, डॉक्टर जीत प्लीज जल्दी आइए। सोनाली प्लीज जल्दी बताओ, क्या करने के लिए कहा गया था तुम? सर मुझे ड्यूटी फ्री से एक पैकेट लेने को कहा गया था। हाँ। और प्लेन में उसे स्मगल करने को कहा गया था। प्लेन में स्मगल? किसने किसने बोला था? सोनाली प्लीज, किसने? डॉक्टर देखना जरा। अरे क्या हुआ इसको? सोनाली किसने बोला इसे? सोनाली सॉरी सर, वी लॉस्ट हर। सर यही वो कॉलेज जहां से उस लड़की का फोन आया। आप लोग सीआईडी वाले हैं? हाँ, आप ही ने फोन किया था ना? जी हाँ, जैसे ही मैंने सोशल मीडिया पर उसकी फोटोज देखी मैंने उसे पहचान लिया। कौन है ये औरत, नाम क्या है इसका? सर उसका नाम राधिका है, एक मेड है वो। कुछ महीने उसने हमारे यहाँ भी काम किया था। एक मेड का काम करने वाली इतने बड़े गैंग में शामिल है, क्या कनेक्शन हो सकता है? अब इस वक्त ये राधिका कहाँ है? सर अभी कहाँ है ये तो नहीं पता, कुछ चार महीने पहले वो अचानक गायब हो गई। इस राधिका का घर देखा था तुमने, रहती कहाँ है वो? मम्मा के पास उसका आईडी प्रूफ होगा, उसमें आपको एड्रेस मिल जाएगा। सोनाली की बॉडी को ठीक से ऊपर रख दिया, वक्त बहुत कम है, 3 घंटे बीत चुके हैं, अलर्ट रहना। कुछ देखा? सर जिन दो लोगों के ऊपर आपने नजर रखने के लिए बोला था वो अपनी सीट से हिले भी नहीं है। तो सारे के सारे आईडीज और उन पे जो एड्रेसेस हैं सब नकली है। तो सारे फेक आईडी कार्ड बनाकर वो कुछ बड़ा करने वाली थी। काम नौकरानी का और इरादे इतने शातिर सर। 4 घंटे बचे सर, कहाँ ढूंढेंगे उसे? जहाँ जहाँ उसने काम किया उसके आसपास लोगों से पूछताछ की? हाँ सर, कोई भी उसके बारे में कुछ नहीं जानता, मगर एक बहुत अजीब बात पता चली। वो क्या? सर जितने भी दिन उसने वहाँ काम किया है उस दौरान उसके आसपास के घरों में बहुत चोरियाँ हुई।
ये देखिए सर, अगस्त से लेकर दिसंबर तक उस इलाके में 6 चोरियां हुई हैं। सर, राधिका ने अगस्त में काम करना शुरू किया था और दिसंबर में वो गायब हो गई थी। कहीं इन चोरियों में वो शामिल तो नहीं है? जाहिर सी बात है, लेकिन इतने खतरनाक लोगों को ये एक मामूली चोर की क्या जरूरत? और सर, चोरी हुए सामान की लिस्ट, कैश, ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और पेंटिंग्स। सर, ये सारी चीजें तो बिक गई होंगी सर, मगर ब्लैक मार्केट में पेंटिंग्स बिकना बहुत मुश्किल है सर। हाँ, तो बाकी के सामान जहाँ पे इन लोगों ने बेचा होगा वहां से इनके बारे में पता चल सकता है। हाँ सर। एक काम करो, हमारे खबरी के जरिए मार्केट में बात फैला दो कि जिस किसी के पास भी ये चोरी का सामान है, लूट का सामान, वो लेके आए, हम खरीदना चाहते हैं। मतलब सर, हम लोग नकली बायर बनेंगे और चोरी का सामान खरीदेंगे? हो सकता है राधिका भी ये चोरी का सामान लेके आ जाए और हमारा काम और आसान हो जाए। अरे कहाँ जा रहे हो आप? मुझे देखना आप है। इधर नहीं जा अरे, सकते मुझे देखना अरे, है आप नहीं जा क्या सकते हो रहा इधर। क्या ये सब खून? आवाज नहीं समझे? मालूम था मुझे इस फ्लाइट में कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। क्या हुआ इन दोनों को? कुछ नहीं हुआ, आप अपनी सीट पे जाके बैठिए। मुझे नहीं जाना अपनी सीट पर। आप फ्लाइट यहीं लैंडिंग करवाइए, मुझे यही उतरना है। आप पता नहीं क्या कर रहे हैं सर। इनके हाथ में ये कब हुआ तुम्हें? क्या है ये सब? एक मिनट बैठिए आप इधर। मनाली, डॉक्टर जीत और करिश्मा को जल्दी बुलाओ। ओके सर। आपने किसी पैसेंजर को छुआ था? नहीं तो पर मुझे हुआ क्या है? कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा, डॉक्टर आ रहे हैं। ओके, आप घबराइए मत। देखो कहाँ पे रह गए। जी सर। का यार पगा, हम तो मानुस को देना रे, जगह तो यही है ना। सर भरोसा रखो, आज तक मेरा काम कभी फेल हुआ है क्या? सर आएंगे, भरोसा रखो। अरे टाइम नहीं है हमारे पास। लगता है यही राधिका है। माल तो सही है, हमारे मतलब का नहीं है। मैडम, ये चेहरे से कपड़ा तो हटाइए, चोरी का माल बेचने आई, यहाँ डर किस बात का? अपने काम से काम रखिए, पैसे दो और माल लो। माल ले लिया समझो, लेकिन चेहरा देखे बिना हम पैसे नहीं देंगे। ये क्या बदतमीजी है? ना, बदतमीजी नहीं है, चोरी के माल खरीदने का नियम है। आप हटाएंगे या? ये तो राधिका नहीं है। सर वक्त तो भागे जा रहा है, हमारे पास सिर्फ 1.5 घंटे बचे हैं। जरा चेक करो। सर पेंटिंग्स है जो 4 महीने पहले चोरी हुई थी। माल तो बहुत अच्छा है, चलो काम की बात करते हैं। राधिका कहाँ है? कौन राधिका सर? मैं किसी राधिका को नहीं जानता। जितना पूछा जाए उतना ही बोलना, राधिका कहाँ है? सर मैं जानता हूँ राधिका को, लेकिन वो कहाँ है ये मुझे नहीं मालूम। राधिका को कैसे जानते हो तुम? वो ही बताती थी लोगों के बारे में, कौन घर में है और कौन घर से बाहर गया है। तो कुल मिला के वो तुम्हारी खबरी थी है? हाँ सर, लेकिन मैं पैसे देता था इस काम के उसको। अच्छा, और क्या जानते हो उसके बारे में? साहब बस इतना ही जानता हूँ कि वो
पठारवाड़ी में रहती है और कुछ नहीं जानता साहब। पठारवाड़ी सर, इस पैसेंजर की हालत बहुत खराब है, हम इसे नहीं बचा पाएंगे सर। हो ना, एक घंटे से कम वक्त बचा है, डेडलाइन खत्म होते ही खूनी न जाने क्या क्या तबाही मचाएगा। सर प्लीज कैसे भी करके बाकी सब पैसेंजर्स को बचा लीजिए सर। डॉक्टर हम लोग कोशिश कर रहे हैं, घबराइए मत। सर प्लीज जल्दी चलिए, पैसेंजर्स हंगामा कर रहे हैं। राधिका कहाँ है? पता नहीं कहाँ है, हमने तो 3 साल से राधिका की सूरत ही नहीं देखी। हमने राधिका को घर से निकाल दिया था। क्यों, क्यों निकाला घर से? वो कई बार चोरी करते हुए पकड़ी गई थी, इसलिए पापा ने उसे घर से निकाल दिया। मैंने राधिका के साथ सारे रिश्ते नाते खत्म कर लिए। सर अगर इनको नहीं पता तो फिर किसे पता होगा? सर अगर राधिका हमें नहीं मिली तो प्लेन में जितने भी लोग हैं सारे मारे जाएंगे। सर आप जरा हमारे साथ चलिए। वो आपकी बेटी है? जी। क्या हुआ उसे? बीमार है, जेनेटिक डिजीज। आप काम क्या करती हैं? क्लर्क हूँ मैं, गवर्नमेंट जॉब है। बेटी की बीमारी में तो बहुत खर्च होता होगा। जी। कैसे उठाती है इतना खर्चा? जैसे तैसे मैनेज कर लेती हूँ, यहाँ वहाँ से उधार लेकर। माँ बाप का खर्चा भी आप ही उठाती हैं? हाँ, लेकिन आप लोग ये सब क्यों पूछ रहे हैं? इसलिए क्योंकि हमें लगता है कि आप हमसे कुछ छुपा रही हैं। हाँ छुपा रही हूँ, मिलती हूँ मैं अपनी बहन से छुप छुप के। तो आपके बच्चे के इलाज का खर्चा राधिका ही उठाती है? हाँ, लेकिन वो गलत नहीं है, वो जो भी कर रही है अपने परिवार के लिए कर रही है। अपने परिवार के लिए लोगों का खून कर रही है, वो ठीक है? जी नहीं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हुआ है, राधिका खतरनाक लोगों के साथ मिलकर कुछ गलत काम करने जा रही है, जिसकी वजह से कुछ मासूम लोगों की जान खतरे में है। प्लीज कहाँ है वो? हमारा उससे मिलना बहुत जरूरी है, हमारे पास वक्त बहुत कम है। इस प्लेन में कुछ तो गड़बड़ है, हमें बताया नहीं जा रहा है। सर कोई गड़बड़ नहीं है, प्लीज आप सीट लीजिए अपनी। मैडम मेरे बगल में जो पैसेंजर बैठा था कब से बाहर गया, वापस ही नहीं आया। सर आप बैठिए। प्रॉब्लम तो नहीं ना? नहीं नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं, सब ठीक। अरे कैसे बैठ जाए, सोशल नेटवर्क पर रिमर फैला हुआ है कि ये प्लेन हाईजैक हो चुका है। एक मिनट, ऐसा कुछ नहीं है, हाईजैक नहीं हुआ है। प्लीज शांति रखिए, प्लीज बैठ जाइए अपनी जगह पे। आप प्लीज साफ साफ बताइए एग्जैक्टली क्या हुआ है। क्या हम सब लोग मारे जाएंगे? देखिए आप सब शांत हो जाइए, सीआईडी ऑफिसर अभिजीत हमारे साथ है। ऐसा कुछ नहीं है, आपको सब सब पता चल जाएगा। देखिए सबको बता देंगे क्या हुआ है, पहले आप लोग अपना प्लीज बैग जरा चेक करने। एक्सक्यूज मी सर, आप अंधेरे में मत रखिए, जो भी कुछ है साफ साफ बताइए प्लीज। प्लीज प्लीज देखिए हाईजैक की कोई बात नहीं है, लेकिन ये सच है कि हमारी जान खतरे में। जान हमारी खतरे में? आप लोग अपने बैग चेक करने दीजिए, हमें उसमें कुछ ढूंढना है। देखिए अगर आप लोग अपने बैग चेक करने देंगे तो हमारी जान बच सकती है, प्लीज कोऑपरेट करिए, कुछ नहीं होगा। मैं बैठिए, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, ये सबकी भलाई के लिए प्लीज। और एक बात और ध्यान रखिएगा, किसी के भी शरीर में अगर कुछ लाल निशान दिखाई पड़े ना तो फौरन हमें बताएंगे, ठीक है? सब ठीक तो है ना? सब कुछ ठीक नहीं है, इसलिए आए। ये सब कौन है और क्यों लेकर आई हो यहाँ पर? धोखा दिया तुमने मुझे। कोई धोखा नहीं दिया, सैकड़ों लोगों की जान खतरे में, उन्हें बचाने के लिए हम लोग आए हैं। किसकी जान खतरे में और कौन सैकड़ों लोग? तुम्हारी फोटो है ना ये? हाँ मेरी है। ये हमें किसी ने भेजी, हम लोग सीआईडी से, और जिसने भी ये फोटो भेजी है वो लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। ऐसा क्या किया तुमने? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और वो लोग मुझे नहीं बल्कि मेरे बॉयफ्रेंड विजय को ढूंढ रहे हैं। तुम्हारे बॉयफ्रेंड विजय को क्यों ढूंढ रहे हैं वो लोग? विजय एक गैंग के लिए काम करता है,
कौन सी गैंग के लिए काम करता है? कौन सी गैंग ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो लोग बहुत खतरनाक है। विजय को पता चला था कि वो लोग देश में कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं और इसीलिए वो उनसे अलग होके छुप गया है। ऐसा क्या करने वाले वो लोग विजय ने तुम्हें बताया? उनके पास एक केमिकल है, उसे नव विजन कहते हैं, जो बहुत ही खतरनाक है। हजारों लोगों को मार सकते हैं उससे और उसकी कीमत भी करोड़ों में है। विजय ने वो नर्व एजेंट का कैनिस्टर चुराया है और इसी वजह से उस कैनिस्टर के लिए ये लोग विजय के पीछे पड़े हैं। और उस तक पहुंचने का जरिया तुम हो, क्योंकि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। जी हाँ सर, डेडलाइन के हिसाब से तो वक्त खत्म हो गया, अब बस यही देखना है कि आगे क्या होगा। लोगों ने हमसे कहा था कि राधिका को ढूंढो, उसको ढूंढने के बाद क्या करना है ये नहीं बताया हमें, है ना जी? पर सबसे पहले हमें इस विजय को ढूंढना होगा और उससे वो कैनिस्टर लेना होगा। कैसा फील कर रहे हैं? थोड़ा ब्रीदिंग में प्रॉब्लम है और कभी कभी अंधेरा छा जाता है आपके सामने। सर आप टेंशन मत लीजिए, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, आप ठीक हो जाएंगे। शायद खूनी को अब तक राधिका मिल गई होगी, लेकिन यहाँ प्लेन पे जो खूनी है वो अभी नहीं मिला है। सर हमने सारे पैसेंजर्स का सामान चेक कर लिया, सर हमें कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला? ऐसा कैसे? शायद कहीं छुपा दिया होगा। सर कहाँ छुपा सकता है? लेबोरेटरी में चेक करा। मैं चेक करती हूँ। गैली में देखो। कहाँ है तुम्हारा आशिक? वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड। मुझे नहीं पता। तुझे सब मालूम है, तुझे ये भी मालूम है कि विजय ने वो कैनिस्टर कहाँ छुपाया है। विजय ने वो कैनिस्टर डिस्ट्रॉय कर दिया है। झूठ, एकदम झूठ। वो कैनिस्टर डिस्ट्रॉय कर ही नहीं सकता। क्यों क्यों नहीं कर सकता? तुम सब लोग मासूम लोगों की जिंदगी बर्बाद करना चाहते थे ना, इसीलिए किया उसने ये सब। मैंने बोला था ना तू सब जानती है। अगर अपनी खैर चाहती है तो बता, बता दे कहाँ है विजय। एक बार बोल दिया ना, मुझे नहीं पता। तू अपने आप को बहुत चालाक समझता था ना, देख तेरी चालाकी उसने सब निकाल के रख दी। बेवकूफ लड़की, वो कोई संत नहीं है, वो उस कैनिस्टर को बेचकर पैसों के साथ गायब हो जाएगा। बता बता कहाँ है वो। मुझे पता है तुम दोनों ऐसे मुंह नहीं खोलोगी, पर मेरे पास एक तरीका है तुम दोनों के मुंह खुलवाने का, दिखाता हूं। पता ही क्या है, ये वो केमिकल है जो इस कैनिस्टर में है, नर्व एजेंट। इससे इंसान की मौत धीरे धीरे बड़ा तड़प कर होती है। मालूम है कैसा असर करता है शरीर पर? मैं दिखाता हूं। क्या कर रहे हो तुम ये? सबसे पहले इसका इस्तेमाल तुम्हारी बहन पे करते हैं, तुम खुद देखो ये कैसे तड़प तड़प कर मरती है। देखो रुक जाओ, छोड़ दो मुझे, मैं मरना नहीं चाहती। तो ये बात अपनी बहन को समझाओ। रुक जाओ। बताती हूँ मैं,
ये राधिका उसकी बहन? Oh no. सर, सर ये, सर ये लोग राधिका के जरिए उस विजय तक पहुंच जाएं और उस कैनिस्टर के जरिए तबाही मचा देंगे सर। इनसे पहले हमें हमें विजय तक पहुंचना होगा। सर, लेकिन अभी तो पता भी नहीं है विजय कहाँ है। हम कैसे पहुंचेंगे उस तक? विजय की तलाशी लो, शायद कोई क्लू मिल जाए विजय के बारे में। सर, ये फाइल मिली है, वहां पर छुपा कर रखी थी। इसमें तो ये तीन कंपनीज के नाम लिखे हैं, दो पे क्रॉस मारा हुआ है और ये तीसरा जेड फार्मास्यूटिकल्स। सर, कहीं ये विजय वो नर्व एजेंट इस कंपनी को बेचने की कोशिश तो नहीं कर रहा था? हो सकता है जेड फार्मास्यूटिकल के साथ विजय की डील तय हो गई हो और इसीलिए बाकी की दो कंपनी में क्रॉस मार दिया गया। जरा पता करो ये जेड फार्मास्यूटिकल का मालिक कौन है। सर, इस कंपनी का मालिक रईस इंडस्ट्रियलिस्ट अनमोल कुमार है। इस अनमोल कुमार का लोकेशन ट्रैक करो, पता करो कहाँ है। उसे जरूर मालूम होगा कि विजय इस वक्त है कहाँ। सर, लेबोरेटरी से मिला है। जब यहाँ अफरा तफरी मची थी, छुपा दिया होगा सीसीटीवी। सर, ये तीन लोग इस एरिया में आए थे। ये आप अंधेरे मत रखिए, जो भी कुछ है साफ साफ बताइए। ये तू है सबके पीछे? What? क्यों खून कर रहा है लोगों के? अरे मैंने क्या किया? क्या किया है? तीन तीन लोगों का खून किया है तूने? अरे क्या कह रहे हो आप? क्या कह रहा? Behave yourself, मिस्टर। छोड़ो मुझे। बैठ इधर। बैठ जाओ। हिलने मत देना इसको। अच्छा नहीं कर रहे हो। चुप हो जाइए आप। पीछे जाके सब पता चलेगा तुझे। सर, सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल सर, खूनी पकड़ा गया है। लेकिन सर, हमें एक इमरजेंसी लैंडिंग करनी होगी। सीआईडी ऑफिसर अभिजीत की तबीयत बहुत खराब हो गई है। मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया। ये लीजिए सर। थैंक यू। दिस इज ऑल योर्स। ठीक है, आपको माल बेचकर बहुत अच्छा लगा। वैसे क्या करेंगे आप? हम लोग बिजनेसमैन हैं। खून खराबे में विश्वास नहीं करते, इसलिए अब्रॉड में कोई अच्छी सी पार्टी देख के इसे बेच देंगे। वेरी गुड। जो हमें मिलियन डॉलर्स थे। गुड, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। इतनी भी क्या जल्दी है विजय बाबू, हमारे बिना ही सौदेबाजी कर ली। गलत बात है। तू तो गद्दार निकला। क्या सुलूक किया जाए तेरे साथ, बोल? मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? मुझे माफ कर दो। सांप को अगर छेड़कर छोड़ दिया जाए तो वो और भी जहरीला हो जाता है और दोबारा डसने की कोशिश करता है। ऐसे सांप का ना सर कुचल देना चाहिए। और तू तो इसके साथ खामखा मारा जाएगा। वो कहते हैं ना, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, वही तेरी हालत होगी। देख क्या रहे हो, ले चलो इन्हें। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा, जो जहां पर है वहीं खड़ा रहे। मारो ना। बहुत खेल खेल लिया,
खेल खत्म। अभिजीत की हालत कैसे है अभी? इट्स क्रिटिकल। नर्व एजेंट तेजी से असर कर रहा है, ये इनके खून में शामिल हो चुका है। मतलब वो नर्व एजेंट अभिजीत के शरीर में किसी ने इंजेक्ट किया है? नहीं, ये नर्व एजेंट स्किन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से फैला है। ये कोई भी मीडियम हो सकता है, हैंडकरचीफ, ग्लव, टॉवेल या टिश्यू पेपर। अरे कुछ नहीं, रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, खूनी पकड़ा गया। डॉक्टर करिश्मा, एक मिनट, क्या हुआ अभिजीत? डॉक्टर करिश्मा खूनी है। डॉक्टर करिश्मा, ये डॉक्टर करिश्मा कौन है? अरे करिश्मा, अभी यहीं पे तो थी वो। सर मैंने उसे उस डायरेक्शन में जाते हुए देखा। उस तरफ, इन्हें हॉस्पिटल ले जाओ जल्दी। जी सर। हाँ चलो चलो जल्दी। क्यों किया तुम लोगों ने ऐसा? ज्यादा पैसा कमाने की लालच में हम लोगों ने नव एजेंट बनाया और उसे ऊंचे दामों पर बेचना चाहते थे। बाहर की कुछ पार्टियां थी जो हमारा माल खरीदना चाहती थी। जब बाहर की पार्टियां माल खरीदने को तैयार थी, फिर लोगों को मारने की क्या जरूरत थी? माल तो हम तब बेचते जब हमारे पास माल होता। हमारे एक आदमी विजय ने हमसे गद्दारी करके हमारा माल चुरा लिया था और इसीलिए विजय की गर्लफ्रेंड की पिक्चर हम लोगों ने अब तक पहुंचाई। विजय की गर्लफ्रेंड की फोटो हम तक भेजने के लिए ये सब ड्रामा किया तुम लोगों ने? नो सर, फोटो तो हम आप तक डायरेक्ट पहुंचा सकते थे। हमने इतना बड़ा ड्रामा सिर्फ इसलिए किया ताकि हमारे माल की फ्री में पब्लिसिटी हो जाए और इंटरनेशनल मार्केट में बिडर्स को ये पता चल जाए कि ये कितना खतरनाक है, और साथ साथ विजय का पता लग जाए और तुम्हारा माल वापस मिल जाए। हाँ? सिर्फ पैसों के लालच के लिए तुम लोगों ने जहर बेचा है, लोगों की जान को खिलौना समझ रखा है। तुम लोगों ने एक बार भी नहीं सोचा कि चपेट में तुम्हारा अपना भी कोई आ सकता है? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। अब जेल में बैठना जिंदगी भर सलाखों के पीछे। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।